This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, हम 21st अगस्त के लिए जो मैंने आपको कॉल्स दी थी टेलीग्राम प्लस यूट्यूब चैनल पे उनका हम रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम कर लेंगे 24th अगस्त 2020 की कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो गोदरेज अगर और रेमंड मैंने आपको दिया था, टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। मॉर्निंग में मैं वहाँ पे कॉल्स प्रोवाइड भी करता हूँ। देखिए जो रेमंड और जो गोदरेज अगर होता वो गैप अप ओपन हुआ था। अब कोई भी स्टॉक गैप अप अब खुलने वाला या फिर गैप डाउन खुलने वाला, ये किसी को अंदाज़ा नहीं होता, किसी को पता नहीं होता। तो गैप अप ओपन होने के बाद हम आपको एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप वेट करें 10 एम के अंदर वो गैप फिल हो जाए। गैप फिल कैसे होगा? हमारी बाइंग प्राइस या फिर शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक बीच में आने के बाद एक मिनट का होल्ड ले, उसके बाद दोबारा बढ़ जाए तब आप उसे बाय कर सकते हैं, बाय या शॉर्ट सेल कर सकते हैं ईजिली। तो इन दोनों में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये दोनों गैप ओपन हुए। बाकी पीवीआर और पॉलीमेंट में हमारे टारगेट अचीव हुए, एसएल हिट कहीं भी नहीं हुआ। तो चलिए बात कर लेते 24 अगस्त 2020 की कॉल्स की। कॉल्स को बताने से पहले मैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, आप डेली बेसिस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं। देखिए अगला पहला स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस, जिसे आप बाय करेंगे जब लेवल ब्रेकआउट होगा 688.50 का, टारगेट प्राइस रहेगा 690, 694, 698 का, स्टॉप लॉस रहेगा 684 का। पहला टारगेट प्राइस छोटा इसलिए रहेगा ताकि अगर कोई स्टॉक गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है उसके बाद भी ये फर्स्ट टारगेट प्राइस तक इजीली पहुंच जाए, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपन होगा तो इसे ऊपर आने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होगा, बूस्टअप चाहिए होंगे, बायर्स का नंबर ज़्यादा चाहिए होगा, तो हो सकता है कि ये फर्स्ट टारगेट प्राइस के बाद सेकंड टारगेट प्राइस तक ना पहुंचे, तो इसलिए गैप डाउन ओपन होने के बाद भी ये फर्स्ट टारगेट प्राइस तक पहुंचे, इसलिए पहला टारगेट प्राइस छोटा रहता है। वैसे ही सेम हमने शॉर्ट सेलिंग साइड का भी पहला टारगेट प्राइस हमेशा छोटा रहता है। तो शॉर्ट सेलिंग प्राइस है हमारे 683, लेवल ब्रेकआउट होगा इस चीज़ में, हर चीज़ में लेवल ब्रेकआउट होता है, स्टॉक्स में लेवल ब्रेकआउट होता है इंट्राडे में। जैसे ये 88.50 के ऊपर जब जाने लगेगा स्टॉक तब आप बाय करेंगे, एक्जैक्ट 688.50 पे नहीं बाय करेंगे, 683 के नीचे जब स्टॉक जाने लगेगा तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे, एक्जैक्ट 683 पे नहीं करेंगे। सेम टू सेम स्टॉप लॉस के साथ है, स्टॉप लॉस में 684 के अगर बाई साइड का स्टॉप लॉस लगा रखा है आपने तो 684 के जब नीचे जाने लगेगा तब आप उसे स्टॉप लॉस हिट मानेंगे और ट्रेड से भरेंगे, और वही इसका उल्टा 687.00 से ऊपर जाने लगता है स्टॉक तब आप शॉर्ट सेलिंग साइड का अपना स्टॉप लॉस हिट मानेंगे और ट्रेडिंग से बाहर आएंगे। पहली बार में टारगेट अचीव हो जाता है, दूसरी बार आप वो कॉल नहीं लेंगे, लेकिन अगर पहली बार में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो दूसरी बार आप वो कॉल ले सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको गैप फिलिंग का टाइम है आपका 10 एम का, 10 एम तक अगर गैप फिल हो जाता तो ठीक है, वरना आप छोड़ देंगे। देखिए गैप अप ओपन होना आपके भी हाथ में नहीं है और हमारे भी हाथ में नहीं है, हमें भी नहीं पता कि कब स्टॉक गैप अप ओपन हो जाए, बट हम बिना गैप के कैसी मूवमेंट दे सकता है ये आपको बता सकते हैं। गैप अप ओपन होने के बाद देखिए बहुत सारी चीजें चेंजेस हो जाती। भारत फोर्क की बात करूं, इसे बाय करके चलेंगे 490 पे, 491.50, 495, 498 स्टॉप लॉस रहेगा 487 का, शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी 486.50, टारगेट रहेगा 485, 482, 480, शॉर्ट सेलिंग साइड का स्टॉप लॉस रहेगा आपका 489.50। अगला स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है वो है मस्फिन, जिसे आप बाय करके चलेंगे 840 पे, टारगेट प्राइस रहेगा 843, 850 और 860 का एज यूजुअल। और एक और ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्टॉप लॉस है आप उसे क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे, यानी कि अपने स्टॉप लॉस को 831 से 843 पे शिफ्ट करेंगे जब आपका 843 से ऊपर लेवल चल जाएगा। और बिगनर्स की बात करूँ तो पहले टारगेट प्राइस पे ही आप बाहर आ जाइए, सेकंड थर्ड टारगेट प्राइस का वेट मत कीजिए, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कब स्टॉक पलट जाए, नीचे आ जाए, तो आप जितना जल्दी हो सके ट्रेड से बाहर आने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा देर मत रुकिए। अगर आप रुकना चाहते तो अपना ट्रायल करते जाइए स्टॉप लॉस पहले टारगेट प्राइस पे, दूसरे टारगेट प्राइस पे, तीसरे टारगेट प्राइस पे, ऐसा करके आपको इजीली आप अर्न करते रहेंगे और आपको लॉस में नहीं जाओगे, प्रॉफिट में आने के बाद लॉस में नहीं जाओगे। और शॉर्ट सेलिंग के लेवल ब्रेकआउट होगा 830 का, तब आप टारगेट प्राइस रखेंगे 827, 820 और 810 का, स्टॉप लॉस रहेगा 839 का। आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके डिस्प्ले में दिख रहा होगा और हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको देखना है अगर हमारी पेड क्लाइंट्स की क्या कॉल्स थी आज, तो आप हमारी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। वेबसाइट में अवर लेटेस्ट अपडेट में आपको हमारी सारी कॉल्स मिल जाएगी, आप हमारे हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप हमारा प्लान भी खरीद सकते हैं, वेबसाइट में जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, प्लान के रिगार्डिंग या फिर प्लान बाय करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा प्लान खरीदने के बाद भी। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो
इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।